हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स के जो स्मार्ट HD 7 करके आया है गाइस, इस फ़ोन के बारे में आपसे बताएंगे। एंड ये फ़ोन आपको बाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि गाइस इसकी प्राइस अगर देखें तो भाई बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड इस टाइम पर भाई इतने सारे स्पेक्स प्रोवाइड करना एक फ़ोन में और इस प्राइस में इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन गाइस ध्यान में रखते हुए कि क्या आपको ये फ़ोन बाई करना चाहिए गेमिंग के लिए या नॉर्मल यूज़ के लिए, एंड कैसा यह परफॉर्मेंस देगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सो गाइस देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय द वे, इसकी प्राइस की बात कर ले तो फर्स्ट सेल में आपको 5400 रुपए में देखने को मिल जाता है। सो गाइस चलिए आपको डिटेल में बताते हैं एंड इसमें फ्री फायर कैसा प्ले होगा वो भी सारी जानकारी देते हैं, तो देखते रहिए एंड तक। सो गाइस बात करते हैं यहाँ पे इस फ़ोन के स्पेक्स की। तो गाइस यहाँ पे आपको 2 GB RAM देखने को मिल जाता है और 2 GB RAM आप वर्चुअल इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि 4 GB का हो जाता है। एंड इस टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि वर्चुअल रैम यूज़ में आ सकता है, बिकॉज रैम कम है। वहीं पे अगर 8 GB RAM है तो वो कभी 8 GB फुल ही नहीं होगा, तो वर्चुअल रैम उससे ज़्यादा अगर आप इनेबल करते हैं लाइक 5 GB एक्स्ट्रा, सो उस टाइम पर कोई यूज़ में आएगा ही नहीं, बट यहाँ पर यूज़ में आ सकता है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। एंड इस प्राइस रेंज पे भाई ये रेयर है, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स सिर्फ आपको 32 GB तक ही प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें आपको 64 GB देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस पीछे की तरफ आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है एंड सेकेंडरी AI वाला, और फ्रंट में गाइस यहाँ पे 5 MP का देखने को मिल जाता है। वहीं भी गाइस डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो 6.6 इंच का देखने को मिल जाता है, बड़ा डिस्प्ले है भाई इस प्राइस रेंज में, ये भी रेयर ही है। एंड गाइस यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स ये फुल HD नहीं है, ये आपको HD+ देखने को मिल जाता है। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको 10 W का फास्ट चार्जर मतलब एवरेज है, ओके 10 W का चार्जर देखने को मिल जाता है। एंड 5000 mAh की बैटरी इसमें है, जो कि आपको बैटरी बैकअप अच्छा दे देगा। रिसेंटली हमने इन्फिनिक्स हॉट 30i को टेस्ट किया है, जिसमें गाइस 5000 mAh की बैटरी है एंड 10 W का चार्जर है, HD+ डिस्प्ले, काफ़ी कमाल का बैटरी बैकअप देता है। मतलब 1 घंटा फ्री फायर प्ले कीजिए तो 14% की अप्रोक्सी डिक्रीज करता है, तो बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। सो गाइस यहाँ पे यूनिसो का काफ़ी एवरेज सा प्रोसेसर यूज हुआ है, आई थिंक ये 28 nm पे बेस्ड है, तो ये भाई बिल्कुल ही नॉर्मल यूज़ के लिए है। एंड इस प्राइस में रेंज में ऑफकोर्स आपको गेमिंग के लिए फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही हैवी यूज़ के लिए। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ में भी इसको यूज़ करेंगे इस फ़ोन को, तो आपको जीटर्स वगैरह इजीली देखने को मिल जाएंगे। एंड आई कैन से इट इज़ जस्टिफाइएबल, बिकॉज भाई इस प्राइस रेंज में भाई क्या ही आपको मिलेगा, ये लोग इतने सारे स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वही बहुत ही बड़ी बात है। सो आई कुड से आप बाई कर सकते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए। और ये अभी जो आप गेम प्ले देख रहे हैं ये एक्चुअल में वो फ़ोन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यानी कि ये रियलमी बोल इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD नहीं है, ये इन्फिनिक्स हॉट 30i, मैं जस्ट वॉइस ओवर कर रहा हूँ। एंड इस फ़ोन को मैं बाई करूँगा स्मार्ट 7 HD को, फिर उसके बाद मैं और आपको डिटेल में बता पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये फ़ोन इस प्राइस में उन लोगों के लिए जस्टिफाई है जो भाई फर्स्ट टाइम यूज़र होंगे एंड्रॉयड का, और जिनका बजट ही बिल्कुल ही टाइट है। नहीं तो अगर आपके पास और थोड़े पैसे हैं 1000 तक भी एक्स्ट्रा है, तो आप मोटरोला का फ़ोन्स ले सकते हैं, मोटरो E13 है आई थिंक उसका नाम, वहाँ पे गाइस आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। यूनिसो का वो भी प्रोसेसर है लेकिन वो थोड़ा पावरफुल है, उसमें आपको नॉर्मल यूज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वहाँ पर उसका जैसे कि आपको पता है कि मोटो का सॉफ्टवेयर क्लीन होता है एंड कोई भी एड्स नहीं आता है, सो वहाँ पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिल जाएगा एंड नॉर्मल यूज़ में जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। सो उस टाइम पे मैं कहूँगा कि वो बेटर हो जाता है, थोड़ा और पैसा ऐड कीजिए। एंड अच्छी बात यह है कि भाई इस प्राइस रेंज में ये लोग फिंगरप्रिंट भी आपको बैक में दे दिए हैं, बिकॉज कोई भी ब्रांड फिंगरप्रिंट प्रोवाइड नहीं करता। सो दोस्त फिलहाल में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्त मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।